वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन साईं बाबा बनी बाबा बगरे जनिर 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 सा दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन दिव्य वचन प्रार्थना करें, अपने विषय में सोचें कि आखिर ईश्वर ने हमारी जिंदगी में ऐसा क्या देखा जो हमसे इतना प्यार किया। एक सुंदर गीत है, तूने मुझ में क्या देखा कि तू जो मुझसे इतना प्यार करता है। मैं तो निरंतर पाप में डूबा रहता हूं, बुराई करता हूं, लेकिन फिर भी प्यारे भाई प्यारी बहन, वो प्रभु मेरे और आपके पीछे पीछे रहता है। कहीं हम खो ना जाएं, वो हमें ढूंढ के लाता है। इसलिए पवित्र बाइबल हमें बताती है कि प्रभु ये कहता है, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। स्वर्ग राज्य में एक पश्चातापी पापी के लिए अधिक आनंद मनाया जाता है। प्रभु से बातें करें और पूछें, आखिर मुझ में ऐसा क्या है जो कि वो मुझे और आपको इतना प्यार करता है। एक एक व्यक्ति अपना अपना नाम लेकर पूछना। प्रियजनों, वो प्रभु महान है। बाइबल में बताती हैं, प्रेरितों उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि उसने अपना आत्मा मिट्टी का पुतला गढ़ने के बाद उसके नथनों में फूंक दिया, प्राणवायु को फूंक दिया और उसमें जीवन आ गया। उसका तत्व हमारे अंदर मौजूद है, इसलिए जब तक हमारी आत्मा उससे मिल नहीं जाती वो बेचैन रहती है। जैसे हिरणी जलधारा के लिए तरसती रहती है, वैसे ही हमारी आत्मा भी स्त्रोतकार कहता है तरसती है। हम अंगीकार करें, प्रभु से बातें करें, इस गीत के माध्यम से प्रभु की स्तुति करें, महिमा करें। तूने मुझ में क्या देखा जो मुझसे इतना प्यार करता है। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। कहिए, तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। पूछिएगा सच्चाई से, आत्मा और हृदय की सच्चाई से पूछना। हमने तो बहुत से पाप किए हैं, दूसरों का दिल दुखाया, ठेस पहुंचाई, खुद को धोखा दिया, अनेक प्रकार के बुरे विचार नित्य प्रतिदिन हमारी जिंदगी में गूंजते रहते हैं। हो सकता हम ईर्ष्या से कभी कभी भर जाते हैं, क्रोध से भर जाते हैं। हो सकता है हम दूसरों की संपत्ति देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं, जलने लगते हैं। आखिर ऐसी कौन सी बातें, इसके बावजूद भी प्रभु हमसे प्रेम करता है। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तू इतना मुझको याद करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तू इतना मुझको याद करता। तूने मुझ से इतना प्यार करता।
याद दिलाना कि मैं इनसे प्रेम करता हूं। ये निराश ना हो, हताश ना हो, इधर उधर भटकते ना फिरें, मुझ पर भरोसा रखें। इसलिए यीशु ने कहा, तो मुझ में विश्वास करो और पिता ईश्वर में भी विश्वास करो, क्योंकि मेरा पिता अभी तक काम कर रहा है, मेरा पिता अभी तक काम कर रहा है। और प्रभु ये कहता है मलाकी के ग्रंथ अध्याय दो पद, अध्याय एक पद संख्या दो में, प्यारे भाइयों और बहनों, कि प्रभु ईश्वर ने तुमसे प्रेम किया, पर तुम फिर पूछते हो कि तूने हमें कैसे प्रेम किया। प्रभु ईश्वर ये कहता है, क्या ऐसाव याकूब का भाई नहीं था? फिर भी मैंने याकूब से प्रेम किया। कहता है, जब तू बालक था, जब अपनी माँ की गोद में खेला करता था, तब मैंने तेरी रक्षा की, तब मैंने तुझे प्रेम किया। और देख, मैं तेरे बुढ़ापे तक, तेरे बाल पक जाने तक मैं ऐसा ही करता रहूंगा। ये शपथ उसने हमारे पूर्वजों से खाई। इसलिए इब्राहिम से उसने कहा कि इब्राहिम, आसमान की ओर देख, अगर तू इन तारों की संख्या गिन सकता है तो गिन। तेरे वंशजों को मैं रेत के कणों की तरह बनाऊंगा, तेरे वंशज इतने होंगे कि तू उनकी गिनती नहीं कर पाएगा। यह परमेश्वर का वादा है। यह उसने शपथ पूर्वक हमारे पूर्वज, हमारे विश्वास के पिता इब्राहिम से वादा किया। और आज वही बात, प्यारे भाइयों और बहनों, वो मुझे और आपको याद दिलाना चाहता है। यीशु जिंदा है और जिंदों का परमेश्वर है।
उसने आपके और मेरे लिए प्रायश्चित किया है, उसने आपके और मेरे लिए और सारी मानव जाति के लिए अपना प्राण दिया। यीशु ने सारी मानव जाति के लिए क्रूस उठाया, क्रूस की यातना को सहा। यीशु ने अपने कंधों पर जो क्रूस उठाया वो लकड़ी का क्रूस नहीं, मेरे और आपके पापों का बोझ उसके कंधों पर था। और वो कलवरी के रास्ते पर चलता जाता है, ठोकरें खाता है, गिरता है, जल्लाद उसे मारते, लात घूसे उसके ऊपर चलाते, दाढ़ी नोचते और उसे गालियां सुनाते, थप्पड़ मारते। उसका चेहरा इतना कुरूप हो गया था कि पहचान में नहीं आता था कि वास्तव में वो ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। वो चेहरा जिसे स्वर्गदूत देखने के लिए तरसते थे, वो प्रभु अपने विषय में गवाही देता है। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल ये कहती है, संत पौलुस रोमियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 में लिखता है, किंतु हम पापी ही थे कि मसीह हमारे पापों के लिए मर गए, इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। मैंने कहा मलाकी लिखता है अध्याय 1 पद संख्या 2 में कि तुम पूछोगे कि मैंने तुमसे कैसे प्रेम किया, तुम पूछोगे कि मैंने तुमसे कैसे प्रेम किया है। और प्रभु इस बात का प्रमाण देता है कि किंतु जब हम पापी ही थे तब ईसा मसीह हमारे लिए और सारी मानव जाति के लिए मर गए। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8 लिखा है, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे, इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया, हालेलुया। रोमियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 प्रभु का वचन कहता है, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए, इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है, अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब फिर हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं ईश्वर हमें प्रेम नहीं करता, हमारा तो भाग्य ही फूटा है, हमारी तो किस्मत ही खराब है, ये हमारे साथ ही ऐसा होता है, हमारी ही जिंदगी में कष्ट क्यों आता है। बार बार सवाल पर सवाल किए जाते हैं। ये यशायाह नबी के ग्रंथ में प्रभु कहता है कि मनुष्य शिकायतें क्यों करता है, मनुष्य शिकायतें क्यों करता है, कहीं उसके लिए यह ज्यादा अच्छा है कि वो अपना आचरण सुधारे, मनुष्य के लिए कहीं यह ज्यादा अच्छा है कि वो अपना आचरण सुधारे। तो हम जब ईश्वर से बातें करते हैं, उससे हम सवाल करते हैं, तो वो हमें जवाब देता है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 3 में कि मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूं। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्स 3, बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्स 3, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करते आ रहा हूं, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रहे, मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रहे। अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि हम जो भी कुछ हैं ये सब अपनी वजह से, अपनी वजह से नहीं है, अपनी वजह से नहीं है। एक व्यक्ति था प्यारे भाई और बहन, एक दिन उसने स्वप्न देखा और उसका सामना मृत्यु के साथ हुआ और वो मृत्यु से बोला, देख जब मेरा मरने का समय आएगा तो कम से कम तू मुझे पहले ही बता देना कि मैं मरने वाला हूं, ताकि मैं सारे प्रबंध जो है वो कर लूंगा, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं सब प्रबंध कर लूंगा। मृत्यु ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जब तेरा समय आएगा मैं तुझे बता दूंगा। एक दिन बीमार पड़ गया, अब वो मरने मरने को था, मन में सोचने लगा कि मैंने तो मृत्यु से कहा था कि मुझे पहले ही
चेतावनी दे देना या बता देना, तो वो सो जाता है। फिर से वो स्वप्न देखता है, क्योंकि उसका समय आ गया था। मृत्यु के साथ बातें करता है और कहता है, मैंने तो उससे कहा था कि तू मुझे पहले ही बता देना कि मैं कब मरने वाला हूं, अब तू आ गई और खड़ी हो गई है और मुझसे कह रही है कि तेरा समय आ गया, अब तुझे मेरे साथ चलना है। तो मृत्यु ने कहा, मैंने तुझे जिंदगी में बहुत बार चेतावनी दी, लेकिन तूने समझा नहीं, तूने समझा नहीं। बोली, पहला झटका मैंने दिया जब तुझे हार्ट अटैक आया था, पहला झटका मैंने तुझे चेतावनी के रूप में दिया था जब तुझे हार्ट अटैक आया था, लेकिन तू समझा नहीं, तूने अपना आचरण नहीं सुधारा। दूसरा झटका दिया जब तेरे बाल पक जाने लगे, लेकिन तूने फिर भी उस चीज को तूने अनुभव नहीं किया, तू चलता रहा अपनी ही जिंदगी में, अपनी ही दौड़ चलता रहा। लेकिन अब वो समय आ गया है कि अब इससे ज्यादा मौका तुझे नहीं मिलेगा और ना ही चेतावनी मिलेगी, अब ये समय आ गया है कि तुझे मेरे साथ चलना है। कभी कभी हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, हमारे जीवन में ऐसी तमाम बातें आती हैं जिनके द्वारा प्रभु हमें सिखाता है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो शारीरिक कमजोरी हो, या फिर हमारी जिंदगी के साथ कोई ऐसी बात हो जाए या जिंदगी में ऐसा कुछ हो जाए, ये सब प्रभु की ओर से जो हमें चेतावनी के रूप में दिया जाता, बताया जाता है कि अब भी पश्चाताप करने का समय है, अब भी प्रभु के साथ मेल मिलाप करने का समय है, अब भी ईश्वर के पास लौटने का समय है। और कलीसिया वर्ष में कम एक बार हमें चालीसे की अवधि में ईश्वर के पास परिपूर्णता से लौटने का समय देता है, प्रायश्चित करने का समय देता है, अपने विचारों को पवित्र करने का यह समय देता है, ईश्वर के प्रेम को याद करने का समय देता है। ईश्वर ने जो शपथ पूर्वक हमसे वादे किए हैं, उनको चाहता है कि हम उन्हें जाने और उसके अनुसार हम जीवन बिताएं, उसके अनुसार हम जीवन बिताएं। निराश मत होइए, ढारस रखिए, ऐसा ना सोच लेना कि मुझे हार्ट अटैक आया है तो मैं भी हो सकता है, ये मेरे लिए चेतावनी है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन हमें सोचना अवश्य चाहिए। वचन के साथ प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम उसे पढ़ते हैं, जब हम उसमें रहते हैं, जब हम उसमें जीते हैं, तो उसके अनुसार हमें चलने की आवश्यकता है और हर दिन अपनी जिंदगी को बदलने की जरूरत है। जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती है, 70-80 वर्ष हमारी जिंदगी के प्रियजनों, प्रभु हमसे रोज दिन आशीष देता है और हमें अपने जीवन को बदलने का मौका देता है। तो बाइबल हमें बताती है योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन वह प्राप्त करे और उसके द्वारा संसार मुक्ति प्राप्त करे। आखिर ईश्वर को इतनी मोहब्बत इंसान से क्यों थी, क्यों इतनी मोहब्बत करता है? हमने गीत गाया, तूने मुझ में क्या देखा प्रभु जो मुझसे इतना प्यार करता, मैं तो इस जगत में खोया हुआ हूं, कोई गलत रिश्तों में खोया है, तो कोई पैसे की होड़ में खोया है, तो कोई एंटरटेनमेंट की होड़ में खोया है, तो ऐसी बहुत सारी बातें प्रियजनों जो हमारी जिंदगी में हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, और इसी तरह मैं और आप उससे दूर चले जाते हैं। तो क्योंकि ईश्वर का तत्व इंसान के अंदर डाला गया है, जैसा कि बाइबल हमें बताती है, मैंने आपके लिए वचन पढ़ा था उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7 और उससे आगे लिखा है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7 और उससे आगे, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7, प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथुनों में प्राण वायु
फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव तत्व बन गया। इसके बाद ईश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और उसमें अपने द्वारा गढ़े इस मनुष्य को रखा। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय दो पद संख्या सात। प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राण वायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव तत्व बन गया। हालेलुया। अब इंसान के अंदर क्या डाला गया है? ईश्वर का तत्व। नई व्यवस्था में अगर आप पढ़ेंगे, नए नियम में याकूब का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 5, वहां पर लिखा हुआ है, क्या आप समझते हैं कि ईश्वर ने जिस आत्मा का समावेश हम में किया है वह उसको अपने लिए चाहता है? क्या धर्म ग्रंथ अकारण यह कहता है कि जिस आत्मा का समावेश हमारे अंदर किया गया ईश्वर उसे अपने लिए चाहता है? जिनके पास बाइबल है वो खोल के वचन को पढ़ें। याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 5 और उससे आगे सुंदर वचन है प्यारे भाइयों और बहनों। लिखा है, क्या आप समझते हैं कि धर्म ग्रंथ अकारण कहता है कि ईश्वर ने जिस आत्मा का हम में समावेश किया वह उसको अपने लिए ही चाहता है, इसलिए वह हमें प्रचुर मात्रा में अनुग्रह देता है। जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, ईश्वर घमंडियों का विरोध करता किंतु विनीतों को अनुग्रह प्रदान करता है। वह हमसे प्रेम करता है, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर उसका तत्व मौजूद है। ये तत्व हम तब खो देते हैं जब हम अपने भाई, अपने बहन या किसी से बुरा व्यवहार करते हैं या उनकी हत्या करते हैं या उनसे प्रेम नहीं करते हैं, तो ये तत्व हमारे अंदर से चला जाता है। बाइबल कहती है, जो अपने भाई से बैर करता है वह हत्यारा है और उसमें ईश्वर का तत्व मौजूद नहीं है। ईश्वर जो कि प्रेम है, उसका प्रेम उसमें मौजूद नहीं है, इसलिए वो अपने भाई से बैर करता है। अब मैं समझता हूं कि आपको यह समझ में आएगा कि ईश्वर आपके और मेरे पीछे क्यों भागता रहता है, क्यों ढूंढता रहता है, क्यों कलीसियां इतना जोर देती हैं, क्यों यीशु खोई हुई भेड़ के पीछे जाता है, क्यों यीशु खोई हुई भीड़ के पीछे जाता है, उसे ढूंढने के लिए जाता है और जब वो मिल जाती है उसे कंधों पर उठाकर लाता है, उसकी रक्षा करता है। क्योंकि ईश्वर ने अपना तत्व, अपनी आत्मा इंसान के अंदर डाली हुई है और हम उसे दूषित करते हैं या उसे खो देते हैं जब हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं। अगर एक वाक्य में कहें तो हमारी आत्मा ईश्वर से जुड़ी हुई है, इसलिए यीशु ने कहा, इंसान को, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपनी आत्मा को खो दे, इससे मनुष्य को क्या लाभ? कुछ भी लाभ नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु ने आज प्रेरणा के रूप में ये वचन दिया कि मेरे बच्चों से कहना कि ये याद रखें कि मैं इन्हें प्रेम करता हूं, इसलिए ये संसार की चकाचौंध में कहीं खो ना जाएं, प्रलोभनों में पढ़कर, वासना में पढ़कर और अनेक प्रकार की बुराइयों में पढ़कर अपना जीवन नष्ट ना कर दें। ये मुझ पर भरोसा रखें और मैं उचित समय आने पर इनकी जिंदगियों में उन सारे कामों को पूरा करूंगा। आप और मैं सोचते हैं कि हमें जीने के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए, लाइट चाहिए। बाइबल इसके विषय में जवाब देती है, आई एम द लिविंग वॉटर, मैं संजीवन जल का झरना हूं। हमारे शरीर के लिए पानी, आत्मा के लिए प्रभु यीशु और उसका वचन। आगे लिखता है, आई एम द ब्रेथ ऑफ लाइफ, मतलब मैं जीवन हूं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। आगे लिखता, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, और तुम्हें क्या चाहिए? गेहूं के रोटी से
आपके शरीर को बल मिलता है, लेकिन जो मुझे खाता है उसकी आत्मा को बल मिलता है। आगे लिखा है, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं संसार की ज्योति हूं, मेरे वचन आत्मा और जीवन है। स्त्रोतकार कहता है, तेरे वचन मेरे पांव के दीपक हैं, ये मेरे रास्तों के उजाला करते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था इसे रोज रोज पढ़ना, ये हमारे लिए आईना है, इसको देखना, इसको पढ़ना, तो ये हमारी ही आध्यात्मिकता के विषय में, हमारी ही सांसारिक जीवन के विषय में, और मेरे लिए अपनी ही पुरोहिताई के विषय में ये आईना दिखाएगा कि मुझे, मैं कहाँ पर गलत हूँ, कहाँ पर सही हूँ, कितनी कृपा में बढ़ा हूँ या नहीं बढ़ा हूँ, कितनी सेवकाई मेरी अच्छी हो रही है या नहीं, कितने रिश्ते मेरे अच्छे हैं या नहीं, ये बाइबल हमें बताएगी। हो सकता दुनिया झूठ बोले, लेकिन ये कभी झूठ नहीं बोलेगी। इसलिए प्रभु का वचन ये कहता है कि पानी भी वो है, जीवन भी वो है, रोटी भी वो है, ज्योति भी वो है, रास्ता भी वो है, पिता तक पहुंचने का रास्ता भी वही है। तो क्यों ना हम उसे अपनी जिंदगी में स्वीकार करें और उसे प्रथम स्थान दें अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, जिससे कि वो हमारी जिंदगियों में आशीष प्रदान करें। तो स्त्रोतकार कहता है अध्याय 49 पद संख्या 8 और 9 में, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 49 वर्स 8 एंड 9, मनुष्य ना तो अपने भाई का उद्धार कर सकता और ना उसके जीवन का मूल्य ईश्वर को दे सकता है। प्राणों का मूल्य इतना ऊंचा है कि किसी के पास पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए तुम अपने जीवन की रक्षा करना, अपने हृदय की रक्षा करना, क्योंकि भले और बुरे दोनों विचार यहीं से उमड़ते हैं। इसलिए तुम अपने प्रभु ईश्वर को सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारे हृदय से प्यार करना और अपने हृदय की देखभाल करना, अपने हृदय की देखभाल करना, क्योंकि बाइबल ये कहती है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है? इसलिए इसकी देखभाल करना। यहां से ममता फूटती है, यहां से रीजन आता है, यहां से तर्क होता है, प्रेम यहां से उत्पन्न होता है, प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए इन दोनों की बनती नहीं है आपस में, इन दोनों की बनती नहीं है। दूरी बहुत कम है लेकिन इनमें कभी मेल मिलाप नहीं होता है। ये कुछ सोचता है और ये कुछ कहता है। ये कहता है प्रेम करो, ये कहता है अभी नहीं बाद में करेंगे, ये कहता है माफ करो, वो बोलता अभी नहीं, एक साल के बाद देखेंगे, अगर मौका लगा अच्छा होगा तो करेंगे, अगर वो अच्छा आचरण करेगा तब देखेंगे, आई विल डू इट समटाइम्स लेटर, नो प्रॉब्लम। इसलिए मैंने कई मौकों पर इस बात को कहा, अन्य तीर्थ यात्राएं करने से ज्यादा अच्छा है दिल से दिमाग तक की तीर्थ यात्रा को कीजिएगा। टेक द स्पिरिचुअल जर्नी राइट फ्रॉम द माइंड टू द हार्ट। इसको यहां से सवाल पूछने दीजिए, मेरा अस्तित्व क्या है? क्या मैं सचमुच में प्रभु का अनुयायी हूं? क्या मैं सचमुच में प्रभु का दास हूं? क्या मैं सचमुच में वो व्यक्ति हूं जो रोज प्रभु के मांस और रक्त को ग्रहण करता हूं और अपने आप को प्रभु का अनुयायी कहता हूं? क्या मैं वही व्यक्ति हूं जो दिन में 3 बार प्रार्थना करता है, घुटना टेक के, या फिर करुणामाला बोलता है, या उपवास करता है, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ और ही होता है, कुछ और ही होता है? आज ये मनन चिंतन का विषय है। इसलिए मैंने आपसे कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 में प्रभु ने कहा कि मनुष्य को इससे क्या लाभ है यदि वो आत्मा खो दे और सारा संसार प्राप्त कर ले? इससे मनुष्य को क्या लाभ यदि उसका कॉन्शियंस ही डेड हो जाए, जिसका जमीर मर जाए, जिसका अंतःकरण मर जाए? जिनके अंतःकरण मर जाते हैं वो प्रेम करने में असमर्थ हैं। जिनके अंतःकरण मर जाते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, वही बहुत सारी हत्या, बहुत सारे शोषण और बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिनको दया नहीं आती है। Their conscience is dead. उनका जमीर मरा हुआ है, उनमें प्रेम का अभाव है, उनमें ईश्वर का तत्व मौजूद नहीं है। इसलिए बाइबल ये कहती, इन नन्हों में से किसी के लिए कुछ तुम जो भी कुछ करते हो वो तुम मेरे लिए करते हो, और सुनो ध्यान से, इन नन्हों के लिए कोई भी यदि पाप का कारण बनता है तो ऐसे लोगों के लिए यह उचित है कि उनके गले में चक्की का पाट बांध दिया जाए
और उन्हें समुद्र में फेंक दिया जाए, जिससे कि कभी वो ऊपर ना आए, उनका अस्तित्व तक समाप्त हो जाए। तो बाइबल ये कहती है प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 8, बुक ऑफ विजडम चैप्टर 15 वर्स 8। मैंने आपसे कहा कि ईश्वर हमसे क्यों प्रेम करता है, क्योंकि हमारी आत्मा उससे जुड़ी हुई है, पिता का तत्व हमारे अंदर डाला गया है। अब देखिए कि बुक ऑफ विजडम अध्याय 15 पद संख्या 8 में क्या लिखा है, ईश्वर का जीव हम में है जो हमसे वापस मांगा जाएगा। ईश्वर का जीव हमारे अंदर है और बाइबल ही कहती है वो हमसे वापस मांगा जाएगा। अब आप पूछेंगे तो हम ईश्वर को प्रेम कैसे करें, वो तो हमें प्रेम करता है, हम उसे अपनी जिंदगी में प्रेम कैसे करें? तो कुछ सुझाव मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बाइबल इसके विषय में कहती है कि ईश्वर को प्रथम स्थान देना, दैट्स ऑल, सबसे पहले प्रथम स्थान। आप अपनी जिंदगी में अपने 100 काम करिए, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहला और प्रथम स्थान जो है वो ईश्वर को देना। और जब आप प्रथम स्थान उसको देंगे तो आप खुद ब खुद सच्चाई में और सत्य में चलेंगे। क्यों? क्योंकि आप उससे जुड़े रहेंगे। बुराई के मौके आएंगे लेकिन आप उसमें पड़ेंगे नहीं। दूसरा उपाय, सामुएल के पहले ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 30 में लिखा हुआ है, जो मेरा आदर करता है मैं उनका आदर करता हूं, और जो मुझे तुच्छ जानता है मैं भी उन्हें तुच्छ जानता हूं। अब चाहे वो कोई भी हो, चुना हुआ दास क्यों ना हो, या मैं हूं, या कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, बाइबल ये कहती है जो मेरा आदर करता है मैं उनका आदर करता हूं। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। सामुएल का पहला ग्रंथ, सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 2 अध्याय 2 पद संख्या 30 पद संख्या 30 प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है जो मेरा आदर करते हैं, जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करता हूं, मैं उनका आदर करता हूं, और जो मुझे तुच्छ जानते हैं, जो मुझे तुच्छ जानते हैं मैं भी उन्हें तुच्छ जानता हूं, मैं भी उन्हें तुच्छ जानता हूं। हालेलुया 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 हालेलुया। तो तीसरा उपाय है प्रभु का आदर करना। तीसरा उपाय है संत पौलुस थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 में लिखता है, आप लोग जागते रहें, सजग रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें और धन्यवाद के निवेदन आप परमेश्वर को अर्पित करते रहें। चौथा उपाय है थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 3, आप ईश्वर की इच्छा को जानिए, तब आप उसे प्रेम कर पाएंगे। यू शुड नो द डिजायर्स ऑफ द लॉर्ड। द डिजायर ऑफ द लॉर्ड इज दैट आई एम होली, देयरफॉर यू बी होली फॉर मी। जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी मेरे लिए पवित्र बनो। और उसी अध्याय में लिखा हुआ है दंपतियों के लिए कि तुम्हारा दाम्पत्य जीवन अदूषित हो, उसमें कोई दोष ना हो। इसलिए सब लोग अपने लिए धर्म के अनुसार और चित्त के अनुसार एक एक पत्नी धारण करें। अपने भाई के साथ आप धोखा ना करें। याकूब के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 21 में लिखा है, आप लोग हर प्रकार की मलिनता और बुराई दूर करें, नम्रता पूर्वक ईश्वर का वचन ग्रहण करें जो आपके अंदर रोपा गया है। लेट दैट वर्ड ऑफ गॉड इंक्रीज इन योर लाइफ। संत पौलुस यही लिखता है कि ईश्वर का वचन पौधे के रूप में आपकी जिंदगी में रोपा गया है, आप उसे बढ़ने का मौका दें। ईश्वर से प्रेम करें क्योंकि वह प्रेम है और वह जीवन का आधार है। यह आज का संदेश है मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके परिवार के लिए। इसलिए कई परिवारों में प्यारे भाई और बहनों लड़ाई झगड़ा है, मम्मी पापा में, बच्चों में, और मम्मी पापा में कई बार बच्चे अपने मम्मी पापा से अच्छी तरह बात नहीं कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। मैं समझता हूं कि बच्चों को मम्मी पापा से मित्रों के जैसे बात करनी चाहिए, कोई दुविधा है तो उनसे डिस्कस करना चाहिए। आखिर उनके पास जिंदगी का अनुभव है, वो हमें इस दुनिया में लाने वाले आधार स्तंभ हैं, उनके बिना हम अधूरे हैं। इसलिए हमें शर्म ना करके हमें उनके साथ बैठकर बातचीत करना अच्छा है और अपनी समस्याओं का समाधान करना अच्छी बात है।
और इसके लिए यदि कोई परिवार एक होकर रोज प्रभु का आदर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो उनके जीवन में खुद ब खुद आशीष और अनुग्रह आता रहेगा। बहुत सारे परिवार टूटे बिखरे पड़े हैं, हो सकता है बच्चे मम्मी पापा को टाइम नहीं देते हैं या मम्मी पापा बच्चों को टाइम नहीं देते हैं, हो सकता है कि बहुत सारी व्यवहारिक समस्याएं हैं, हो सकता है जिद्दपन की दुष्ट आत्मा है, हो सकता है क्रोध की दुष्ट आत्मा काम करती है, हो सकता है किसी प्रकार से आर्थिक तंगी है, या फिर ऐसे बहुत सारे कामों में जो गलत निर्णय ले चुके हैं आप लोग, उसमें फंसे हुए हैं। तो आज ये दिन है याद करने का कि प्रभु आपसे प्रेम करता है, आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप उससे प्रेम करें और वो आपको ब्लेस करेगा। और दूसरी बात है, वो आपकी चिंता करता है, वो आपकी चिंता करता है। बुक ऑफ साम्स चैप्टर 115 वर्स 12-14, प्रभु आपको याद करता है और आपकी चिंता करता है। प्रभु आपको याद करता है और आपकी चिंता करता है।